मॉर्निंग। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास फोर साइंस में चैप्टर नंबर 1 पौधे के भाग एवं उनके कार्य। पौधे के भाग एवं उनके कार्य का आज हम क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। अपने पिछले वीडियो में हमें आपको इसके जितने भी चैप्टर से जुड़े जितने भी टॉपिक थे उसको हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं और आज हम आपको बताएंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही मिलान कीजिए। दो कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं, वैसे ही इसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे। कॉलम अ और कॉलम ब दोनों में अलग अलग भाग में अलग अलग चीजें दी गई हैं। दोनों कॉलम में उसको हमें सही चीजों से मिलान करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कॉलम अ में हमारा है फर्स्ट जड़। इसको हमें देखना है कि इसमें जड़ के कार्य कौन कौन से हैं। इन सभी के कार्यों के बारे में दूसरे कॉलम में दिया गया है। अलग अलग जड़ के कार्य कौन से हैं, पत्ती के कौन से हैं, तने के कौन से हैं और फूल के कौन से हैं। ठीक है, तो जड़ का कार्य क्या है? क्या जड़ का कार्य भोजन बनाना है? नहीं, सहारा प्रदान करना ये भी नहीं है। पौधे को भूमि अर्थात मिट्टी में जमाए रखना। ठीक है, तो पौधे की जड़ ही तो मिट्टी के नीचे रहती है। इसका मतलब जड़ जो है वो पौधे को भूमि में जमाए रखने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट है पत्ती। पत्ती क्या करती है? पत्ती का कार्य होता है पौधों के लिए भोजन बनाना। भोजन बनाना कहाँ पे है? ये है फर्स्ट वाला, तो इसको हम इससे मिलाएंगे। पत्ती का कार्य जो है वो भोजन बनाना है। ठीक है, तने का कार्य क्या है? तना क्या करता है? भोजन बनाना तो हो गया, पौधे को भूमि में जमाए रखना भी हो गया। अब है यहाँ पे सहारा देने का कार्य करता है। ठीक है, तना क्या करता है? पौधे को सहारा देने का कार्य करता है। क्या बिना तने के पौधा खड़ा रह पाएगा? पत्तियां कहाँ लगेंगी, उसके फल कहाँ लगेंगे, फूल कहाँ लगेंगे, ये सारी चीजें जो है उसकी शाखाएं सब तने से ही जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो तना जो है वो पौधे को सहारा प्रदान करता है। नेक्स्ट है फूल। फूल जो है क्या करता है? फूल फल का निर्माण करता है। ठीक है, किसी भी पौधे में आपने देखा होगा पहले फूल लगता है उसके बाद उसका फल लगता है। जैसे आम को ही ले लीजिए, आम में पहले बौर लगती है, बौर जो है उसकी क्या होती है, वही उसका फूल होता है और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे फल आते हैं, फिर वो बड़े होते होते पूरे आम का फल बन जाता है। तो फूल जो है वो फल का निर्माण करता है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इसको आप लोग अपनी कॉपी में बढ़िया साफ सुंदर हैंड राइटिंग में आप उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको याद करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना।